अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग सना हेल्दी लाइफ। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये होममेड इंस्टेंट रबड़ी की रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 1 लीटर मिल्क लिया है जो कि फुल क्रीम मिल्क है, जो कि आप देख सकते हैं कि ये हल्के लाइट फ्लेम पर जो है ये कुक हो रहा है, बॉयल हो रहा है और ये ऑलरेडी बॉयल्ड है जी। हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/2 कप ड्राई मिल्क पाउडर, जो कि फुल क्रीम जो है नीडो का आप ले सकते हैं या जो आपकी कंट्री में जिस जो आपको अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये 1/2 कप जो है ड्राई मिल्क पाउडर है, जो कि फुल क्रीम ड्राई मिल्क पाउडर है। अब जी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो इसमें हम 4 अदद जो स्लाइस हैं वाइट ब्रेड, उसको हम ब्रेड क्रम करके बिल्कुल फाइनली इसका क्रम हमने किया है और हम इसे ऐड कर रहे हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी रबड़ी बनती है और ये बहुत इंस्टेंटली बनती है, वेरी क्विक, विद इन 10 to 12 मिनट्स ये रेडी हो जाती है। और उसके बाद जो असल काम है वो इसको रेफ्रिजरेट करके ठंडा करके यूज़ करने का है। बना रहे हैं मैंगो रबड़ी, तो इसमें मैंगो जो है 2 अदद जो मैंगो है उनका जो हमने प्यूरी करके वो हम ऐड कर रहे हैं। और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मेक श्योर कि आपसे कोई लम्स नहीं बनने चाहिए इसमें, ये बिल्कुल रिफाइंड बनना चाहिए और आपने जो इसमें कफगीर है ये बिल्कुल मतवातर चलाते रहना है। मैंने अपनी मैंगो रबड़ी में मैंगो यूज़ किया है जो कि नेचुरली स्वीटनर होता है, तो हम इसमें जो शुगर ऐड करेंगे उसकी क्वांटिटी हम कम कर सकते हैं और मैं तकरीबन 4 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा चीनी की मिकदार कर सकते हैं। हम इसे अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। हमने चीनी अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर ली है और अब हमने इसका जो फ्लेम है वो थोड़ा सा हाई कर दिया है ताकि ये जल्दी जो है बन जाए। हमने इसमें ऐड किया है सब्ज़ इलायची का पाउडर, जो कि है 2 सब्ज़ इलायची का पाउडर। और जैसा कि आप इसके एजेस देख सकते हैं, इसके किनारे पर जो है वो ये शो हो रहा है कि बिल्कुल नियर टू रेडी है। हम कॉन्स्टेंटली जो है इसमें कफगीर चला रहे हैं ताकि ये बिल्कुल नीचे से लगे नहीं, जले नहीं। इंस्टेंटली मैंगो रबड़ी होममेड बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसे जो है डिश आउट करेंगे और इसे कूल डाउन करेंगे रूम टेम्परेचर पे, एंड आफ्टर दैट हम इसे रेफ्रिजरेट करेंगे और अच्छे से चिल करेंगे। जी तो व्यूअर्स, हमारी मैंगो इंस्टेंट रबड़ी जो है होममेड ये बनकर रेडी हो चुकी है, जिसे हम रूम टेम्परेचर पे अब कूल डाउन कर रहे हैं, एंड आफ्टर दैट हम इसे रेफ्रिजरेट करेंगे और अच्छे से ठंडे करके, एंड आफ्टर दैट हम इसे यूज़ करेंगे और इन्जॉय करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आए। स्टे हेल्दी विद सना हेल्दी लाइफ। अल्लाह निगेबान।